I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. तो दोस्तों अब हमें करने हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स जो ज़रूरी हैं और अभी तक किसी को मिले नहीं थे, तो आप प्रो वालों के लिए आ गए हैं वो न्यूमेरिकल्स। यार डाइपोल का एक बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल है आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, और बाकी डीपीपी आप सॉल्व करते रहो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, बार बार बोल रहा हूँ मैं। चलिए आ जाओ अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ तो लिया है क्योंकि वो क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन से सबसे पहले निकाल लो गिवन डेटा। यार एक डायग्राम दिया हुआ था, नहीं दिया था तो वर्डिंग्स उसने पूरी दे रखी थी हमको कि भाई एक दो डाइपोल्स हैं अपने पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया अपने पास, और ये 120 डिग्री पर हैं। जब ये डाइपोल्स 120 डिग्री पर हैं और मुझसे कहा गया कि मुझे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है, यार रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैसे निकालूं मैं इस केस में, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो डायरेक्शन क्या होती है, तो याद है वेक्टर की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की, माइनस क्यू से प्लस क्यू। कहां से? सो अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, यानी डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, सो इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, यानी माइनस क्यू से किस तरफ जा रही है, ये प्लस क्यू की तरफ जा रही है। तो यार यहां पर देखो, अगर अपन देखें तो मेरे पास क्या डायरेक्शन आ रही है बता दो जरा जल्दी से, एक डायरेक्शन माइनस क्यू ये, प्लस क्यू ये, तो कहां जाएगी डायरेक्शन? ऊपर की तरफ। तो ये आ गया मेरे पास डायपोल मोमेंट। और अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो इसकी लेंथ मुझे एल दी हुई है। शायद क्वेश्चन में आपके डायग्राम मिसिंग था, तो कोई बात नहीं, आपने डेटा पढ़ लिया है, डायग्राम आप देख लो यहां पर। तो ये अपने पास प्लस क्यू है, ये आपके पास माइनस क्यू है, ये लेंथ क्या है अपने पास एल, ये लेंथ भी आपको एल दी हुई थी। जब आपको लेंथ एल दी हुई है और इस केस में, तो ये डायपोल मोमेंट कितना आएगा पहले वाले का, तो डायपोल मोमेंट फॉर फर्स्ट वन इज क्या होता है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, क्यू इंटू टू एल, बट टू एल क्या होती थी दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस कितनी है एल है, तो यार पी क्या हो जाएगा, क्यू इंटू एल हो जाएगा, क्यू इंटू एल। तो अपने पास डायपोल मोमेंट आ गया फर्स्ट का क्यू इंटू एल। अगर मैं सेकेंड वाले को देखूं तो फिर से देखो माइनस क्यू है या प्लस क्यू है, तो क्या आएगी डायरेक्शन बताओ जरा जल्दी से। मुझे पता है अगर मैं जिस तरह से बोलता हूं ना, तुम्हारा बस चलता ना तो तुम मोबाइल के अंदर से निकल के बाहर आ जाते, और यही एनर्जी हमें मेंटेन रखनी है, यही हमें बना के रखनी है, क्योंकि यही हमें फोड़ने में मदद करने वाली है। तो इसीलिए माइनस क्यू प्लस क्यू ये इस साइड आएगा, तो ये डायरेक्शन आ गई हमारे पास माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। एंगल कितना है हमारे पास 120 डिग्री, एंगल है 120 डिग्री। तो यार देखो अब गौर से जरा, ये प्लस क्यू है, ये वाला एक डायपोल है, दो आपके पास वेक्टर्स हैं, कितने डिग्री पर है ये 120 डिग्री पर। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है दो वेक्टर्स के जो थीटा एंगल पर हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां पर a जो है पहला वेक्टर भी p है, दूसरा वेक्टर भी p है। डायपोल जो थे वो 120 डिग्री पर थे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर a की जगह पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड p, दूसरे पर भी p है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इनके बीच का एंगल था 120, cos 120 की वैल्यू तक दी यहां पे माइनस 1/2, थोड़ा सा सॉल्व किया तो यह आ जाएगा माइनस का p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट p स्क्वायर विल बी इक्वल टू p, और p क्या है हमारे पास q इंटू एल, q मतलब क्या चार्ज, और l क्या है उनके बीच की डिस्टेंस, सो p इज इक्वल टू q इंटू एल से अपन बहुत आसानी से रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकाल लेंगे, और मैंने निकाल लिया। अब मुझे पास है टॉर्क, या टॉर्क क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था पीई साइन थीटा, बट अपन सोचते हैं यार जब हम डायपोल की बात करते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम ले रहा है इसीलिए समझा रहा हूं बहुत अच्छे से। अगर आप देखो तो आपके पास दो डायपोल्स थे, यहां पर दो डायपोल के बीच का एंगल है 120 डिग्री। यार अगर 120 डिग्री है इन दोनों डायपोल मोमेंट के बीच का और दोनों इक्वल हैं, तो मैं यार एक दो को अलग अलग नहीं ले सकता एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है,
तो मैं दो के साथ नहीं निकाल पाऊंगा, कैसे निकालूं? तो मैंने क्या किया, ये दो डायपोल्स जो मेरे पास थे, डायपोल मोमेंट कितने डिग्री पर है, 120। तो एक बात बताओ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आने वाला है पैरेललोग्राम लॉ से, वो ये आएगा हमारा पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट, क्योंकि इक्वल है तो बिल्कुल बीच में आएगा ना, बिल्कुल बीच में आएगा, यानी कि यह एंगल आएगा 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल था 120, तो रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री, बिल्कुल सही है कि नहीं। अब एक बात बताओ, ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस है, ये वाला, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, होता है कि नहीं, उसमें से ये 60 डिग्री चला गया, तो बचा कितना, तो भाई ये जो बचा हुआ एंगल है, ये एंगल आ गया 30 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स एक्सिस पर ही तो थी, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और रिजल्टेंट पी आर के बीच का एंगल कितना आया, 30 डिग्री। बस यही इंपॉर्टेंट था, फिर से बता रहा हूं, दोनों का रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट आया पी आर कितने डिग्री पर आएगा, वो वर्टिकल से ये वाले से 60 डिग्री पर, अब पूरा एंगल 90 डिग्री है, उसमें से 60 चला गया, तो बचा क्या, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री, तो ये आ गया मेरे पास टॉर्क पीई साइन 30। पी कौन सा लूंगा, रिजल्टेंट वाला लूंगा, क्यू एल विच इज क्यू एल, ई तो था ही, साइन 31/2, ये आ गया आंसर। तो भाई जल्दी से दिमाग में इसको कर लो नोट, क्योंकि बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर। वापस, तो भाई ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जैसे किसी दुश्मन के एरिया में घुसने के पहले उसकी जरूरत पड़ती है क्या, उसके सारे डेटा को जानने की ना, वैसे किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ती है उसके गिवन की। तो यार सबसे पहली बात तो जब आपने ये क्वेश्चन देखा होगा तो गिवन देखा होगा, और मुझे उम्मीद है लिख भी लिया होगा कि भाई आपके पास दो स्फीयर, एक की रेडियस आर है, दूसरे की रेडियस क्या है, अपने पास 2R है, पहले वाले पे चार्ज Q1 है, दूसरे वाले पे चार्ज Q2 है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस हमेशा बहुत मदद करते हैं। तो यार ये Q1 है हमारे पास, ये हमारा क्लास Q2 है। अब गिवन क्या है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है यार, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। अगर चार्ज अपॉन सरफेस एरिया होता है तो पहले वाले स्फीयर के लिए क्या होगा, तो क्या आने वाला है आंसर, भाई आपको दिया था दोनों सेम, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, पहले वाले पे चार्ज था Q1, सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr², दूसरे वाले पर चार्ज था Q2, सरफेस एरिया हो जाएगा 4π2r² Q1/Q2, 4π से 4π कैंसिल, r² इधर आया, ये हो गया r² / 4r², r² से r² कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1:4। तो भाई दोनों चार्जेस का जो रेशियो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 1:4। सिर्फ गिवन डेटा सही पता हो तो धूम धड़ाका धम सब मचा सकते हो आप। जल्दी से पहले इसको कर लो नोट, फिर करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। वापस, तो भाई चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यार
थर्ड क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ने के बाद गिवन डेटा तो बस इतना था कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, आपको ये बताना है कि इस पर नेट फोर्स जीरो है और फिर वर्क डन निकालना था। यार ये वो क्वेश्चन है जो लोग सोचते हैं हमें आता है मगर कीवर्ड्स मिस करते हैं और नंबर चले जाते हैं। मैंने कॉपीज देखी हैं यार, तो इसीलिए बहुत ध्यान से जब आप इस टाइप का क्वेश्चन का डायग्राम बनाएं तो आपको यहां पर ये आपके पास प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू था, बट जब आप वेक्टर का साइन इस तरफ लगा रहे हो और डायरेक्शन दिखा रहे हो तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है फोर्स के लिए। ऐसे ही यहां पर हमारे पास क्या है, प्लस क्यू ई, तो ये आगे की तरफ क्योंकि प्लस क्यू पर फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, माइनस क्यू पर फील्ड के ऑपोजिट लगता है, तो आपने माइनस क्यू के कारण डायरेक्शन पहले ही कंसिडर कर ली। ये गलती एक नंबर, ठीक। दूसरी बात, ये वेक्टर लिखना जरूरी तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, जब मेंशन कर रहा है उसने क्या बोला, नेट टॉर्क शुड, नेट फोर्स शुड बी जीरो। सो भाई एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, एफ वन, दो फोर्सेस है मेरे पास, एक ये और एक ये है, दोनों कितने डिग्री पर है, 180 डिग्री पर है। जब दो फोर्सेस 180 डिग्री पर हो तो रिजल्टेंट होता है F1 माइनस F2। तो मेरा पहला फोर्स है QE, दूसरा फोर्स है, माइनस कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड तो QE है बट माइनस इसीलिए हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो QE माइनस QE, सो एफ नेट विल बी 0 न्यूटन। ये अपने को मिले आधे मार्क। अब आता है वो हमसे बोलता है वर्क डन निकालो, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। मैं मान रहा हूं कि तुमने वीडियोस देखे हैं, नहीं देखे होंगे ना तो समझ लेना नंबर नहीं आएंगे, फिर गुस्सा मत होना, और यार मानना पड़ेगी यार बात। तो फिर इसीलिए थीटा 1 क्या बोला उसने, पहले फील्ड की डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन का मतलब समझो यार, कि ये जो अपने पास डाइपोल है ना वो फ्री हो गया, तो यार प्लस क्यू इधर लग रहा था, माइनस क्यू इधर लग रहा था, फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। अब नेट फोर्स जीरो है तो देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इधर है, माइनस से प्लस, और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा वन क्या हो जाएगा हमारा, इनिशियली 0 डिग्री, क्योंकि जब फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल होता है और फील्ड भी इसी तरफ है तो एंगल हो जाता है 0। अब आप उसको पूरा घुमा रहे हो कितने डिग्री से, 180 से, तो यार जो प्लस उधर था ना पहले वो इधर आ जाएगा, तो थीटा टू क्या हो गया आपके पास, 180 डिग्री। तो वर्क डन का फॉर्मूला है पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, कॉस थीटा वन हो गया 0, थीटा टू हो गया 180, कॉस 0 होता है 1, कॉस 180 होता है माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 बिकम्स 2, सो ये आ जाएगा मेरे पास वर्क डन इज इक्वल टू 2 पीई। क्वेश्चन खत्म, जल्दी से कर लो इसको नोट। वापस, तो भाई दिमाग बिल्कुल क्लियर हो गया है, साफ सुथरा हो गया है, तीनों न्यूमेरिकल ने दिमाग में डायपोल के बारे में बहुत क्लियर कर दी हैं चीज़ें, चार्ज डेंसिटी के बारे में भी क्लियर कर दी हैं। तो यार इस वीडियो में इतना ही, इंतज़ार करते रहो और देखते रहो वीडियो का सेक्शन, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ जो सीक्वेंस में आ रहे हैं आपको उसी सीक्वेंस में करने, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जय हो।